देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, बूढ़े पिता की शिकायत पर जांच आरंभ, राष्ट्रीय बैंकों पर जब उखड़ पड़े वडेट्टीवार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में कोविड उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक किया गया है। वहीं दूसरी ओर बूढ़े पिता की शिकायत पर जांच आरंभ। बूढ़े पिता को उनके ही फ्लैट से बाहर निकालने वाले बेटे और बहू के खिलाफ बजाज नगर पुलिस ने जांच आरंभ की है। गुरुवार को पुलिस आयुक्त द्वारा नालायक बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने के बाद बजाज नगर पुलिस हरकत में आई है। उसने आज सुबह पीड़ित वृद्ध का बयान दर्ज किया। पीड़ित 70 वर्षीय पिता की कहानी बेहद गंभीर है। वह रेलवे की सोसाइटी में कार्यरत थे। 5 साल पहले पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई। 3 साल पहले बेटे ने शादी कर ली। पीड़ित पिता की शिकायत के अनुसार बेटा उन्हें साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वह पत्नी की मदद से उन्हें परेशान करके घर से जाने के लिए दबाव डालने लगा। खुद की कमाई का फ्लैट होने पिता को वहां से जाना मंजूर नहीं था। 21 अप्रैल को बेटे और बहू ने धक्के मार कर उन्हें फ्लैट से बाहर कर दिया। वहीं तीसरी ओर राष्ट्रीय बैंकों पर जब उखड़ पड़े वडेट्टीवार। जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि खरीफ फसले के लिए सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों की तुलना राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य वितरण मामूली है। इसे लेकर नाराजगी जताते हुए उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों को जून अंत तक 50% लक्ष्य पूर्ण करने का आदेश दिया है। वे जिला अधिकारी कार्यालय में कर्ज वितरण स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। वर्तमान में जिले में 63,798 किसानों को 503 करोड़ 26 लाख रुपए फसल कर्ज का वितरण किया गया है, जो कुल मिलाकर 59.21% है। इसमें से चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने 5,065 किसानों को 418.79 करोड़, ग्रामीण बैंक ने 2,777 किसानों को 29.24 करोड़ तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 5,956 किसानों को 55.21 करोड़ रुपए का फसल कर्ज का वितरण अब तक किया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।